बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, हम बात करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़े एक नए अपडेट को लेकर, क्योंकि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो है वह खत्म हो गई है। उसके बाद से जो है डाटा निकल कर सामने आया है वह सबको चौंकाने वाला है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या घट गई है। इस बार पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य के लिए मुखिया पद से अधिक दावेदारी सामने आई है। साल 2016 के पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार औसतन प्रति प्रखंड 240 उम्मीदवार कम हो गए हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी का असर व सरकारी योजनाओं के विकेंद्रीकरण से जोड़कर जो है इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों के उम्मीदवारों से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं। बता दें कि पहले चरण के 12 प्रखंडों में सभी 6 पदों के लिए कुल 15,328 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रति प्रखंड औसतन 1,277 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि साल 2016 में पहले चरण में 37 जिलों के 58 प्रखंडों में सभी 6 पदों के लिए करीब 88,000 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसी प्रकार से अगर हम प्रति प्रखंड उस वर्ष के हिसाब से अगर हम उम्मीदवारों की संख्या देखें तो वो था 1,517 जो उम्मीदवारों ने जो है नामांकन किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वर्ष बिहार में कोरोना जैसी किसी महामारी का कोई प्रकोप नहीं था और न ही सरकारी योजनाओं का विकेंद्रीकरण। पंचायत में ग्राम सभा की सहमति लेकर नई योजनाओं के लागू करने की सहमति कई अधिकार जो है मिले हुए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं पिछले चुनाव की, यानी कि साल 2016 में जो हुए पंचायत चुनाव उसमें, जिसमें कि मुखिया को जो है कई अहम पद के साथ साथ कई अहम जिम्मेवारियां जो थी पंचायतों के विकास को लेकर दी गई थी। तब वार्ड सदस्यों की भूमिका जो थी, योजनाओं में वार्ड सदस्य ही एक अनुरक्षक होंगे, यानी कि उस समय जो स्थिति थी उसमें कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें यह कहा जा रहा है कि नल जल योजनाओं में वार्ड सदस्य की एक भूमिका जो है वो अहम होगी। और वो साथ ही साथ सात निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नल जल योजना को लेकर जो है वो एक अनुरक्षक की भूमिका में होंगे, यानी कि उनके पास जिम्मेवारी होगी उनकी पूरी देख रेख की। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस बार जो पंचायत चुनाव होगा उसमें सरकार की यह योजना है कि पंचायतें जो है वो आत्मनिर्भर हो, यानी कि है ये बात कही जा रही है कि वो फंडों का डेवलपमेंट करें, कैसे हम पैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम जो है पंचायतों का खुद के पैसे से हम विकास कर सकते हैं, इन सारी योजनाओं को लेकर भी बिहार सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में जो ये बात कही जा रही है कि वार्ड को जो है अनुरक्षक नियुक्त किया गया है, नल जल योजनाओं से सरकार अब चाह रही है कि कैसे हम नल जल योजना के माध्यम से पैसों का जो है हम अपने पास इकट्ठा करें, तो अब जो बातें सामने निकल कर आई उसमें योजना में कई अहम चीजें जो है आगे की कड़ी में जुड़ेगी। इसके साथ ही अन्य योजनाएं हैं जिसमें वार्ड सदस्यों की सीधी भागीदारी दे दी गई है। ऐसे में अब गांव की सरकार में वार्ड सदस्यों की अहम भूमिका सामने आने वाली है, जिसका नतीजा हम पहले चरण के नामांकन में साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है नामांकन की प्रक्रिया में मुखिया से ज्यादा जो है वार्ड सदस्यों के पर्चे जो है भरे गए हैं। लोगों ने जो है उसमें अपनी भागीदारी दिखाई है, एक तरह से कहले उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो इस तरह से हम कहले कि पहले जो है वार्ड सदस्य सिर्फ मेंबर कमेटी का सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब जो है उसके पास अधिकार दिए गए हैं, तो अब जो है लोगों की दिलचस्पी जो है वार्ड सदस्यों के रूप में भी बढ़ी है। तो ये थे पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।